यहाँ हम थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे, क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे पे सिर्फ दो या तीन जगह ही मुश्किल से स्टॉपेज है जहाँ पर पेट्रोल पंप पेट्रोल ले सकते हैं और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह, नाश्ता वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। तो पंप के सामने देखो, वैसे तो व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ का पहाड़ियाँ हैं, खुला आसमान है, और ये इधर पेट्रोल पंप पे भी काम चल रहा है यहाँ पे स्नैक्स वगैरह का। और इधर ये छोटी छोटी दुकानें हैं स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, ये भी कच्ची दुकानें हैं अभी कुछ दिनों। और गाइस रियली आई एम फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि सांसें अटक गई थी घर से चलते वक्त। ये सभी को ध्यान देना चाहिए, ये हमारे मैनेजर साहब हैं, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया अक्सर। मैं अक्सर जब भी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो उसका ध्यान रखता हूँ हमेशा, लेकिन आज थोड़ा सा इमोशंस ज़्यादा थे इसलिए इमोशंस की उसमें ध्यान नहीं दिया पेट्रोल का। लेकिन कभी भी लंबी ट्रिप पे जाओ, खासकर जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, उस पर लिमिटेड स्टॉपेज होते हैं, और स्टॉपेज हो या ना हो अपने ही गाड़ी को हवा और पानी फुल रखो। मेरे फादर अक्सर यही कहा करते थे कि चलने से पहले सारी चीज़ें अपना तैयार कर लो, रात को ही सारी पूरी पैकिंग, कोई ऐसा ना है कि एंड टाइम पे कुछ भगदड़ मचे, तो सारा रात को पैक कर दो और सुबह अपना उठाओ बैग और चल दो। ऐसे ही ट्रिप पे निकलने से पहले गाड़ी का जो पानी है, हवा पानी है, मतलब जैसे टायरों में हवा हो और साथ में पेट्रोल, वो पूरा होना चाहिए, ताकि रास्ते में जैसे हमें फेस करना पड़ा अभी सांसें अटक गई थी कि यार कहीं पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इस पे धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ राजस्थान में, और अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो बहुत बुरा हाल होने वाला था हमारा। वो अलग बात है कि भगवान साथ थे तो यहाँ तक पहुँचा दिया पेट्रोल पम्प तक। थैंक्स अ लॉट, ऐसे ही बने रहिए, जैसे जैसे अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। थैंक्स।